अगर आप लोग भी दोस्तों ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म से हैं तो क्या टाइम में बर्ड गिराना चाहिए दोस्तों और क्या टाइम में नहीं गिराना चाहिए, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे दोस्तों। और थर्ड में दोस्तों ब्रूडिंग कैसे किया जाता है पोल्ट्री फार्म का या देसी फार्म का दोस्तों, मैं आपको प्रॉपर इस वीडियो में बताएंगे। और कैसे मेंटेन होना चाहिए दोस्तों, कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या दवाई होना चाहिए दोस्तों, क्या दाना खिलाना चाहिए और कैसे मेंटेन होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल देंगे। आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। इस वीडियो में आपको सबसे खास बात बताने वाले हैं ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म का, ठंड में कैसे ब्रूडिंग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए काफ़ी शानदार से मेंटेन हो रहा है दोस्तों ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म का। यहाँ पे देखिए ये 7वां दिन हो गया है, बट यहाँ पे 100-200 ग्राम का हो गया है। अगर आप लोग भी पोल्ट्री फार्म करते हैं दोस्तों, कैसे करना चाहिए टाइम के हिसाब से, मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल बताएंगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो पे। सबसे बड़ा दोस्तों खास बात है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मेंटेन काफ़ी शानदार से हो रहा है। यहाँ पे 6 दिन का बर्ड हो गया है, 100-200 ग्राम का यहाँ पे वजन है दोस्तों यहाँ पे बर्ड का। यहाँ पे ये देखिए कितना शानदार से यहाँ पे मेंटेन सबसे बड़ी खास बात है दोस्तों यहाँ पे हो रहा है। और इधर भी देखिए, इधर भी काफ़ी शानदार से दोस्तों मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों ठंड में शानदार मेंटेन हो रहा है दोस्तों। कैसे मेंटेन होना चाहिए, क्या दाना खिलाना चाहिए दोस्तों, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए ठंड में, बट नुकसान नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्या टाइम पे बर्ड गिरना चाहिए, क्या रेट मिलेगा किस हिसाब से, मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल देंगे। यहाँ पे देखिए 6 दिन का 7 दिन का बर्ड हो गया दोस्तों, यहाँ पे 200-250 ग्राम का हो गया। और इधर भी देखिए दोस्तों काफ़ी शानदार से दोस्तों मेंटेन हो रहा है। अगर आप लोग भी ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म से हैं तो ऐसे ही सेफ्टी कीजिए। और इधर भी देखिए, तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।